नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्तिज हिंदी की दुनिया इस चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको हिंदी, मराठी और अंग्रेजी विषय के कक्षा 12वीं तक के सभी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इस चैनल पर लगातार बने रहिए। आज हम कक्षा 10वीं अक्षर भारती मराठी का स्थूल वाचन के अंतर्गत आने वाला लेसन मोठे होत असलेल्या मुलांनो, यानी कि बड़े हो रहे बच्चों या बढ़ते हुए बच्चों, इसका जो अपठित गद्यांश दिया हुआ है वह लेकर आई हुई हूँ। स्वाध्याय वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और साथ ही में ये अपठित गद्यांश मैंने अलग से दिया हुआ है, तो इसे देखते रहिए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और विद्यार्थियों, जब आप इस चैनल को देखते ही हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे हैं बहुत हार्डवर्क करने के बाद भी, इसलिए ये आपकी ड्यूटी है कि आप मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। देखते हैं अपठित गद्य आकलन के अंतर्गत। बच्चों, आपको ये गद्य दिया हुआ है, यानी ये जो आपको पैसेज है वो दिया हुआ है। विद्वता कोणाकडे ही असो ती क्षणात मिळवता येणारी बाब नाही। विद्वता यानी बुद्धिमत्ता जो होती है, विद्वान लोग जो होते हैं बड़े बुद्धिमान होते हैं ना, विद्वान, तो विद्वान लोग विद्वता कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये कोई क्षण में यानी पल भर में प्राप्त करने वाली चीज नहीं है बाब यानी चीज। ज्याप्रमाणे झाडांची मुळे एकदम खोल खोल जाऊ शकत नाहीत, यानी जिस प्रकार झाडांची मुळे यानी झाड की जड़े एकदम गहरी गहरी नहीं जा सकती, यानी आज लगा दिया और आज ही गहरी हो गई, ऐसा नहीं होता, त्यासाठी काही वर्ष लागतात। यानी झाड़ की जड़ों को जमीन के अंदर काफ़ी गहराई तक पहुँचने में कुछ सालों का वक्त लगता है, परंतु जेवड़ी खोल मुळे असतात तेवढा त्या झाडाचा पाया भक्कम असतो, परंतु वो झाड़ भले ही थोड़े साल ले ले, लेकिन जितनी ज़्यादा गहराई में उसकी जड़ें पहुँचती है वो झाड़ का जो क्या बोलेंगे उसको फाउंडेशन उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा, भक्कम यानी मजबूत। तसेच विद्वत्तेची ही आहे, मुले वैसे ही बुद्धिमानी की भी बात है, विद्वानियत की बात भी वही है। जेवढ्या प्रयत्नाने ती मिळवाल तेवढे प्रभावी तुमचे व्यक्तिमत्व असेल, यानी विद्वता ऐसी नहीं आ जाती बच्चों, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ते हैं, पढ़ते रहना पड़ता है। आपकी निगाह खोजी निगाहें होनी चाहिए, आपकी नज़र हर चीज़ में प्रश्न देखने की, उसको सॉल्व करने की, ऐसी आपकी किसी भी चीज़ को देखने का दृष्टिकोण उस तरीके का होना चाहिए, तभी जाकर जो है बुद्धिमत्ता प्राप्त की जा सकती है, विद्वता को प्राप्त किया जा सकता है। तो जितने ज़्यादा प्रयत्न हम विद्वता प्राप्त करने के लिए करेंगे उतने ही ज़्यादा विद्वान बनेंगे, ये यहाँ पर कहा गया है, और उतना ही हमारी पर्सनैलिटी जो है वो खुलकर सामने आएगी, निखरेगी, है ना। आपल्याला एकदाच विजेसारखे चमकायचे की सूर्यासारखे सातत्याने प्रकाशित राहायचे हे ठरवायचे आहे। बस आपको निश्चित करना है अपने जीवन में कि क्या आप एक बार ही बिजली के समान चमक कर और वापस बुझ जाना चाहते हो, जो बारिश में बिजलियां चमकती है आसमान में, वो जो बारिश के जो बादल छा जाते हैं उसके कारण पृथ्वी पर जो अंधेरा हो जाता है, अंधेरा सा छा जाता है, तो ये जो चमकने वाली बिजलियां हैं क्षणभर के लिए तो उजाला देती है लेकिन फिर बुझ जाती है, तो क्या आप उस बिजली के समान बनना चाहते हैं जो बारिश में पल भर के लिए जो है अंधेरे में चमकती है और बुझ जाती है, या सूर्य के समान कंटिन्यू सातत्याने यानी कंटिन्यू प्रकाशित यानी प्रकाशमान होते रहना चाहते हैं, उजाला फैलाते रहना चाहते हैं, प्रकाश फैलाते रहना चाहते हैं। तो अब ये डिसाइड करना आपके हाथ में है कि आप क्या बनना चाहते हैं, वो बिजली जो एक बार चमक के बुझती है वो बनना चाहते हैं, या सूर्य जो हमेशा कंटिन्यू सबको प्रकाश देता रहता है, हे ठरवायचे आहे, यानी ये आपको निश्चित करना है। विद्वता ही अशी बाब आहे, विद्वता जो है वो एक ऐसी चीज है जी केवल वेळेच्या सदुपयोगाने मिळते, जो सिर्फ अगर आप समय का सदुपयोग करेंगे तो ही आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। बरे, तिला कोणी तुमच्याकडून काढून किंवा चोरून घेऊ शकत नाही,
एक बार अगर विधवता आ जाती है तो उसको कोई भी तुम्हारे पास से निकाल कर नहीं ले सकता या कोई उस चीज़ को चोरी करके नहीं ले जा सकता। तो बच्चों आपको समझ में आया कि और कोई भी चीज़ें होती है, धन दौलत ऐशो आराम, ये हमसे छीन सकता है, लेकिन अगर बुद्धिमत्ता की बात की जाए, विधवता की बात की जाए, तो वो हमसे कोई भी छीन नहीं सकता अगर एक बार हमने कोशिशें करके उसको प्राप्त कर लिया तो। और ये कब प्राप्त हो सकता है? जब आप समय का सही उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे। अगर सदुपयोग नहीं करेंगे, समय ऐसे ही गंवा देंगे, तो बाद में जो है जो बात आपको चाहिए रहती है वो नहीं मिलेगी। ती मिळवण्यात खूप धनसंपत्ति खर्ची घालावी लागत नाही, यानी विधवता मिलाने मिल जाए हमें, उसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा धन खर्चा नहीं करना पड़ता है, कोई संपत्ति खर्चा नहीं करना पड़ती है। यहाँ एजुकेशन, आजकल एजुकेशन जो है पढ़ाई लिखाई भी बहुत महंगी हो गई, लेकिन सिर्फ उसी से किताबों से ही ज्ञान प्राप्त होता है क्या बच्चों? नहीं, हमारे आसपास हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं, हम हर चीज़ में से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ी हमें कोई धन संपत्ति खर्च करना पड़ती है। तो जो अनुभव होते हैं उनमें से हम सीखते हैं, और विधवता यानी सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता, ये आप ध्यान रखना। इसमें मानवता ये भी एक सबसे बड़ा गुण आता है, जितने आप विद्वान होंगे उतने ही आप मानवतावादी होंगे, है ना? तो आगे देखते हैं, पण एकदा ती तुमच्याजवळ आली की संपूर्ण राष्ट्र तुमच्या लखलखत्या प्रकाशात दिपून जाते, यानी उसके लिए कोई धन संपत्ति तो खर्च करना नहीं पड़ती है, और एक बार अगर वो विधवता आपके पास आ गई तो आपका पूरा राष्ट्र पूरा देश जो है वो उसके प्रकाश में जो है दिपून जाते हैं, यानी उसके उजाले में जो है पूरा उजाला पूरे राष्ट्र में उसका भर जाता है। आपला कोणी सन्मान करावा अशी भावनाच मनातून निघून जाते। बच्चों देखा ना, हर व्यक्ति चाहता है जीवन में कि हमको मान मिले, हमको सम्मान मिले, लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो अगर आप विद्वान हैं और विद्वान होने के बाद आप विनम्र हैं, मानवतावादी हैं, तो आपके अंदर से ये इच्छा ही निकल जाएगी कि हमारा कोई सम्मान करे। यानी विद्वान व्यक्ति वे होते हैं जो विद्वता प्राप्त करने के बाद में जो है विनम्रता से रहते हैं, न कि अकड़ के। तो ऐसे लोगों के बारे में यहाँ पर बोला गया है बच्चों। तो ऐसे लोग जो विद्वता प्राप्त करने के बाद में भी जो है विनम्रता से रहते हैं, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, उनके अंदर से कोई हमारा सम्मान करे, हमारी जय जयकार करे, ये भावना ही उनके मन में से निकल जाती है। सर्वजण तुमच्या सहवासात येण्यासाठी, तुमचे आदरातिथ्य करण्यासाठी आतुर असतात। और ऐसे लोगों के साथ में तो सभी लोग रहना चाहते हैं, उनके सहवास में, है ना, और उनके आदर करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा खूब विद्वान हो और खूब विनम्र हो, ऐसे व्यक्ति का तो सभी आदर करते हैं। और बच्चों, जो व्यक्ति विद्वान होता है, विनम्र होता है, वो कभी भी जीवन में जो है खाली नहीं बैठता, उसके पास बहुत सारे काम होते हैं और अपने जीवन में वो बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तो ऐसे व्यक्तियों का तो हम आदर सम्मान करते ही करते हैं। थोड़क्यात विधवता तुम्हाला सर्व मिळवून देते, यानी थोड़े में कहा जाए, कम शब्दों में कहा जाए तो विधवता एक ऐसी चीज़ है जो हमें सब कुछ जो प्राप्त करा देती है, ज्याची तुम्ही स्वप्नात ही अपेक्षा केलेली नसते। यानी ऐसी भी चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा रहता है, वो सारी चीज़ें भी हमें मिल जाती है अगर हम विद्वान हैं तो। विद्यार्थियों, इसका पहला क्वेश्चन है, उतारा वाचून त्यावरील कृती करा, यानी वैशिष्ट्य लिहा, विद्वतेची वैशिष्ट्य, यानी विद्वते की विशेषताएं क्या क्या है। तो विद्वता ही केवळ वेळेचा सदुपयोगाने मिळते। विद्वता काय से मिळती आहे? समय के सदुपयोग से, वेळ आणि समय। विद्वतेला कोणी तुमच्याकडून काढून किंवा चोरून घेऊ शकत नाही। विद्वता को कोई भी तुम्हारे पास से छीन नहीं सकता, चोर नहीं सकता। विद्वता मिळवण्यात यानी विद्वता मिलाने में खूप धनसंपत्ति खर्ची घालावी लागत नाही, खूप धनसंपत्ति का भी खर्च नहीं होता है। विद्वता एकदा जर का तुमच्याजवळ आली की संपूर्ण राष्ट्र तुमच्या लखलखत्या प्रकाशात दिपून जाते। एक बार अगर आपके पास में विद्वता आ जाए तो फिर पूरा राष्ट्र जो है आपके प्रकाश से नहा लेता है। आगे देखते हैं बच्चों, दूसरा प्रश्न दिया है, खालील घटनेचा किंवा कृतीचा परिणाम लिया। घटना एक तरफ दी है, एक तरफ परिणाम दिया है। घटना है या कृति जिसको कह सकते हैं, पहला झाड़ांची मुळे खोल जाने, यानी झाड़ की जो जड़ें हैं वो अगर बहुत खोल यानी अंदर ही अंदर डीप जाती है तो मूळ रुजने किंवा झाड़ाचा पाया भक्कम होने, उसका परिणाम क्या होता है? जितनी जड़ें अंदर जाएगी उतना वो झाड़ मजबूत हो जाएगा, उसकी जड़ें उतनी ज़्यादा जो है जमीन के अंदर अपना पकड़ मजबूत कर लेगी। दूसरा है, प्रयत्नांनी विद्या मिळवणे, यानी प्रयत्न करके विद्यार्जन करना, विद्या प्राप्त करना, है ना, ज्ञान प्राप्त करना, तो उसका परिणाम होता है प्रभावी व्यक्तिमत्व होने। क्योंकि जब आप
बहुत कोशिश करके, प्रयत्न करके और विद्या प्राप्त करते हैं, तो उससे आपका व्यक्तिमत्व कैसा हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। खालील शब्द समूहाचा तुम्हाला कळलेला अर्थ लिहा, यानी नीचे शब्द समूह दिए उसका अर्थ क्या है वो लिखिए। विजय सारखे चमकणे, यानी बिजली के समान चमकना, इसका अर्थ है एकदा चमकणे आणि विजून जाणे, यानी एक बार ही चमकना और फिर बुझ जाना। दूसरा है सूर्यासारखे प्रकाशने, यानी सूर्य के समान प्रकाशमान होना, उसका अर्थ है नेहमी प्रकाशमान रहने, यानी हमेशा जो है प्रकाशमान, प्रकाश फैलाते रहना। दीर्घकालीन यश मिलोने, और अगर मनुष्य के लिए हम कहें तो दीर्घकालीन लंबे समय के लिए जो है यश, मान सम्मान, कीर्ति ऐसे प्राप्त करना, ये इसका अर्थ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांची जात ओळखा। शब्दांची जात म्हणजे काय मुलांनो, शब्द की जात यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये सब क्या हो गई, शब्दों की जात हो गई है ना बच्चों। तो अब यहाँ पे पूछा गया है शब्दांची जात। अब यहाँ पे संज्ञा जो है उसको मराठी में नाम बोला जाता है। संपूर्ण राष्ट्र यानी अधोरेखित जहाँ अंडरलाइन किया हुआ है उसकी आपको जात पहचानना है। तो संपूर्ण राष्ट्र तुमच्या लखलखत्या प्रकाशाने दिपून जाईल, यानी पूरा राष्ट्र तुम्हारे लखलखते चमकते हुए प्रकाश से दिप जाएगा। तो उत्तर में देखिए पहला ये अंडरलाइन करके दिया हुआ है हमको संपूर्ण। संपूर्ण क्या है बच्चों, विशेषण है। अभी बताती हूँ कैसे, राष्ट्र, राष्ट्र क्या है तो राष्ट्र है नाम यानी कि नाउन। तुमच्या, तुमच्या क्या है सर्वनाम, और प्रकाशाने, प्रकाशाने क्या है नाम। बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि नाम, राष्ट्र क्या है नाम यानी कि नाउन। तो नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं बच्चों, विशेषण बोलते हैं, है ना। तो संपूर्ण शब्द जो है वो इस नाउन की विशेषता बता रहा है ना, राष्ट्र जो संज्ञा है या नाम है इस नाम की विशेषता बताने वाला शब्द संपूर्ण है, इसलिए संपूर्ण शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब आप देखो तुमच्या, तुमच्या जो है किसी संज्ञा के जगह पर आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों तुम, तुम्हारा, मैं, आप, ये सारे क्या है संज्ञा है ना। तो तुमच्या ये क्या है, संज्ञा की जगह पर यूज़ होने वाला शब्द है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सर्वनाम। और प्रकाशाने, प्रकाश क्या है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें है ना, उसको उसका नाम प्रकाश है। तो सूर्य का प्रकाश यानी क्या हो गया, संज्ञा हो गया। बच्चों जो हम आँखों से देख सकते हैं और जिनके भी नाम होते हैं, जिन चीज़ों को हम आँखों से देख सकते हैं उन सब के नाम होते हैं बच्चों। कोई भी बिना नाम की कोई भी चीज़ इस संसार में नहीं है, तो हर चीज़ को नाम होता है, इसीलिए वो क्या है, नाम है यानी कि नाउन है यानी कि संज्ञा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि विशेषण नाम, सर्वनाम और वापस से जो प्रकाशाने ये भी क्या है, नाम है। इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे मुलांनो, संपूर्ण आणि राष्ट्र, तुमच्या आणि प्रकाशाने ह्या खाली अधोरेखित केलेले शब्द आहेत हे। तर आपण बघूया राष्ट्र काय आहे, राष्ट्र आपल्या राष्ट्र काय म्हणजे नाम आहे, है ना, म्हणजे त्याला आपण नाउन म्हणतो। आणि राष्ट्र, राष्ट्र ह्या शब्दाची म्हणजे ह्या नामाची विशेषता दाखवणारे शब्द कुठले आहे, संपूर्ण। म्हणून संपूर्ण काय आहे मुलांनो, विशेषण। पुन्हा तुमच्या ही नामाच्या जागेवर येणारे जे दुसरे शब्द असतात त्याला आपण सर्वनाम असे म्हणतो। म्हणून तुमच्या काय आहे मुलांनो, सर्वनाम। आणि प्रकाशाने, सूर्यप्रकाश, ते काय आहे, नाम। कळलं तुम्हाला? आता ह्या प्रकारे तुम्हाला हे सगळं आलं पाहिजे। व्यक्तीला विद्या प्राप्त झाल्यानंतर कोणकोणत्या गोष्टी मिळू शकतात ते स्पष्ट करा। याने किसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त हो जाने के बाद कौन कौन सी चीज़ें मिल सकती है वो स्पष्ट कीजिए। तो व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व घडवण्यात विद्याचा मोलाचा वाटा असतो। याने किसी की भी पर्सनैलिटी बनाने में विद्या का यानी ज्ञान का एक अहम हिस्सा होता है, भाग होता है। त्याचे व्यक्तित्व खुलते तो आपले कर्तव्य आणि अधिकार नीटपणे समजतो। यानी जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, विद्या प्राप्त किया हुआ होता है, उसकी पर्सनैलिटी तो खुली जाती है, पर्सनैलिटी डेवलप हो ही जाती है। उसी के साथ साथ उसको अपने जो है कर्तव्य यानी अपनी ड्यूटीज़ क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी अच्छे से मालूम पड़ता है, और उसको अपने अधिकार भी बहुत अच्छे से समझने लगते हैं। विद्या असे धन आहे जे कोणी त्याच्यापासून चोरू शकत नाही। और विद्या तो एक ऐसा धन है बच्चों जो हमने अभी देखा है कि वो कोई भी उसके पास से चोर नहीं सकता है ना। और ये ऐसा धन है पता है आपको, हे धन वाटल्याने वाढते, जितना आप इसको बाँटेंगे उतना ये धन बढ़ेगा। और कोई भी दूसरा धन दुनिया में ऐसा नहीं है बच्चों जो बांटने से बढ़े, ये एकमात्र धन ऐसा है जिसको जितना बांटोगे उतना वो आपके ही पास बढ़ेगा। विद्या प्राप्त व्यक्ति समाजात सम्माननीय होतो,
जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वह समाज में सम्मान प्राप्त करने के योग्य होता है। आपला कोणी सन्मान करावा अशी भावनाच मनातून निघून जाते, परंतु जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है वो इतना विनम्र होता है कि उसके मन में से ये भावना ही निकल जाती है कि कोई हमारा सम्मान करे, क्योंकि सम्मान करने की भावना उसी के मन में आएगी कि मेरा कोई सम्मान करे जिसका कहीं कोई सम्मान न होता हो। तो विद्या प्राप्त किए हुए व्यक्ति का सम्मान हर जगह होगा, है ना, विद्वान व्यक्ति का सम्मान हर जगह होगा, इसलिए उसके मन में से वो बात ही निकल जाएगी। सर्वजन तुमच्या सहवासात येण्यासाठी तुमचे आदरातिथ्य करण्यासाठी आतुर असतात, पर ऐसे लोगों के साथ में रहने के लिए उनका आदर आतिथ्य यानी मान सम्मान करने के लिए सभी लोग आतुर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। विद्या सर्व मिळवून देते, विद्या सब कुछ प्राप्त करके देती है आपको, सब कुछ आपको देती है, ज्याची तुम्ही स्वप्नात ही अपेक्षा केलेली नसते, जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा रहता है वो सब भी विद्या आपको देती है। संपूर्ण राष्ट्र विद्याच्या लखलखत्या प्रकाशात दिपून जाते, और जो राष्ट्र में जो है विद्या यानी ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैल जाए तो वो राष्ट्र जो है चमक उठता है। धन्यवाद मित्रों, मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयरिंग जरूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांटकर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए, बस यही एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगी। धन्यवाद, मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए